आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M50 के बारे में। आपको जैसे कि पता है जितने भी M सीरीज़ के फ़ोन हैं वो काफ़ी अच्छे फ़ोन थे, प्राइस के हिसाब से ये ठीक ठाक फ़ोन निकाला था। लेकिन जो M50 आने वाला है उससे कंज्यूमर्स को काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन है कि उसमें आपको 5G मिलेगा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा इसके बारे में कि इसका फीचर क्या क्या होने वाला है, कितना बैटरी होगा, क्या कैमरा होगा, कौन सा क्वालिटी का होगा और क्या इसमें 5G रहेगा, सारा आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इसको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीर्वाद गोपाल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे क्या होता है जितने भी एम सीरीज़ आए, जैसे कि आपको पता है जो M10 आया था वो 7000 का था, M20 10000 का था, उसके बाद जो M30 आया वो 15000 का हो गया। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये जो फ़ोन होगा वो 20000 का होगा M50, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होगा फ़ोन अराउंड 30000। ओके, मेरे ख्याल से 30000 के अंदर होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 20 के अंदर तो होगा नहीं, लेकिन 30 के अंदर ही होगा, ये तो कंफर्म है। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के कैमरा की, तो कैमरा इसमें आपको 3 कैमरा मिलेगा। काफ़ी लोग 4 मिलेगा बोल रहे थे, लेकिन नहीं, इसमें ट्रिपल कैमरा ही रहेगा, 24+8+5 मेगापिक्सल का रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 48+5 रहे, ज़्यादा चांस ये 24 वाले का ही है जहाँ तक मैंने रिसर्च करने पर पता चला। और इसमें जो आपको फ्लैश मिलेगा LED फ्लैश, बैक में फ्रंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें चांसेस है कि आपको फ्रंट में पंच होल वाला डिस्प्ले मिले। मेरे को लग रहा था पहले कि इसमें स्लाइडर मैकेनिज्म दे देता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको पंच होल ही मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ। अब ये शायद चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि यार ये पूरे सैमसंग के ऊपर है कि वो क्या करता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस पंच होल डिस्प्ले का ही है। इसके काफ़ी सारे इमेज भी अभी लीक हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को डाउट है कि इसमें 5G मिलेगा। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, अगर आप 5G का एक्सपेक्टेशन इस फ़ोन से कर रहे हैं तो आप सोचिए मत कि ये फ़ोन आपको 30000 में मिलेगा, क्योंकि 5G अभी इतना सस्ता हुआ नहीं है, आपको ये 60 या फिर 50000 के फ़ोन में ही मिलेगा आराम से। जैसे कि आपको बता रहे सैमसंग का ई सीरीज़ आया था जो कि सबसे सस्ता 5G फोन, नॉमी सीरीज़ जो कि सैमसंग गैलेक्सी S10 के साथ हुआ था, उसमें आपको 5G मिल रहा था, लेकिन वो काफ़ी प्राइस में था। मेरे को नहीं लगता कि सैमसंग सबसे सस्ता 5G फ़ोन लॉन्च करने का सोच रही, क्योंकि ये कोई शॉमी फ़ोन ही करेगा, मेरे ख्याल से सैमसंग ही शायद ही करेगा। तो अगर इसमें 5G आएगा तो मेक श्योर कि इसका जो प्राइस रहेगा वो अबव 50000 तो हो गई। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ डिस्प्ले के बारे में। तो 6.4 इंच का आपको FHD डिस्प्ले मिलेगा, मल्टी टच सपोर्ट करेगा, IPS LCD डिस्प्ले रहेगा, AMOLED रहेगा, फुल अच्छे क्वालिटी का, जैसे कि सैमसंग का आपको पता है डिस्प्ले मस्त रहता ही है, ऐसा ही होगा। और जहाँ तक बात करते हैं इसके मेमोरी की, तो 6GB का रैम मिलेगा, ये अलग अलग वेरियंट में होगा अवेलेबल, कौन कौन से वेरियंट में वो भी पता नहीं है। अभी ये पता चला है 6GB रैम, 64GB इंटरनल, जिसे आप एक्सपेंड कर सकेंगे थ्रू मेमोरी कार्ड 512GB तक। ओके, डुअल सिम सपोर्ट करेगा, नैनो प्लस नैनो। और जहाँ तक बात करें इसके प्रोसेसर की, तो 1.8GHz का एक्सिनोस 7904 का प्रोसेसर मिलेगा एंड्रॉयड पाई के साथ। मेरे ख्याल से इसमें एंड्रॉयड पाई बता रहे हैं, उस समय तक ये एंड्रॉयड क्यू हो ही जाएगा। ओके, सो अभी जो जो पता चल रहा है सिर्फ वही पता बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी अब बात करते हैं बैटरी में, आपको मिलेगा 5000mAh का, 3x तक फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा, यानी टाइप सी रहेगा 15W का, इसमें फास्ट चार्जिंग आराम से सपोर्ट करेगा। तो इसको प्राइस को लेके काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ फोन अंडर 20000 होगा। मैं बता दूं यार, मैं तो लिख के दे रहा हूँ कि ये 20000 के अंदर होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो आराम से 30000 के अंदर होगा अगर इसमें 5G नहीं आया। तो अगर 5G आया तो 50 पा रहे ये फ़ोन। ओके, सो ये था इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो अभी यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। और एक बात और कि काफ़ी सारे इमेजेस अभी M50 के मार्केट में चल रहे हैं जो कि अलग अलग तरीके है, जिसमें आपको स्लाइडर मैकेनिज्म मिलेगा, काफ़ी सारे कैमरा के साथ मिलेगा, 4 कैमरा 5 कैमरा ऐसे करके बहुत सारा चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि इसमें आपको 5G मिलेगा। इसमें 5G मिलना एकदम कम चांस है यार, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 45% तक चांस है अगर 5G मिल जाए तो। बाकी अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा तो मेक श्योर कि इसका प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। M50 लॉन्च होगा, अभी इसका जो एक्सपेक्टेड डेट आया वो 2019 तक, ये मे बी अक्टूबर तक ये लॉन्च हो। और जैसे कि मैंने प्राइस को भी कवर कर दिया, तो ये सब थे इसके बारे में, लॉन्च डेट भी मैं आपको बता दिया, अक्टूबर तक ये लॉन्च हो सकता है। ओके, और इसके जितने भी इमेजेस आए मैं आपको सारा दिखा दे रहा हूँ। ओके, सो ये सारे जितने भी इमेजेस हैं ये सब अभी लीक हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने सारे इमेज अभी मार्केट में चल रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये आएगा तो पंच होल डिस्प्ले के साथ ही आएगा, बाकी जो भी के साथ आएगा वो एकदम कम चांसेस है। बाकी ये सभी भी इसके बारे में पता चला है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशीर्वाद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।